पानी की आवक से नैंसिया बांध ओवरफ्लो। बांध पर 4 फीट की चल रही चादर। बांध से बहता हुआ पानी मिलेगा मासी नदी में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए भारी बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर है। अनूप मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनूप, प्रदेश में जहां एक तरफ भारी बारिश का दौर जारी है तो जानकारी मिली है दो दो जिले के चोरू गांव का रामसागर बांध टूट गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? ये पानी किधर बहेगा, कैसे लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जी हाँ बिल्कुल, प्रदेश के अंदर भारी बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। इसी को लेकर के जो चौरी गांव का जो रामसागर बांध है वो टूट गया है। इसके कारण से जो नैंसिया का बांध है उसके अंदर पानी की आवक हुई और पानी की आवक अधिक होने के कारण नैंसिया बांध ओवरफ्लो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ही चौरी गाँव का जो तालाब है रामसागर वो टूटा, उसके टूटने के बाद के अंदर जो नैंसिया गाँव है इसका जो बांध है इसके अंदर पानी की आवक अधिक हुई। पानी की आवक अधिक होने के कारण ये बांध है ये ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने के जो प्रभाव है वो आप साफ तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो यहाँ से बह रहा है। पानी जयपुर रोड की तरफ यहाँ पर बहता हुआ साफ तौर के ऊपर नज़र आ रहा है और ऐसी ही तस्वीरें जयपुर शहर के और राजस्थान के कई जगह से देखने को मिल रही है। नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं और भारी बारिश का दौर है वो प्रदेश के अंदर इस वक्त लगातार जारी है। और अगर फागी की बात की जाए तो सुबह से हम फागी की तस्वीर दिखा रहे हैं। फागी के अंदर जिस तरह बाढ़ आई हुई है वो अपना कहर दिखा रही है और वहाँ पर घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, मकानों के अंदर सभी जगह पानी हो रखा है। और हमारे साथ के जो गांव के सरपंच हैं नैंसिया के, उन्हीं से जानते हैं। आज नैंसिया के अंदर आज चौरी का एक बांध टूटा, उसके बाद नैंसिया के अंदर पानी बढ़ा, किस तरीके से यहाँ पर पानी की आवक जारी है? ये क्या है कि सुबह जल्दी ही चोरू का रामसागर बांध टूट गया था, उसका पानी पालड़ी आ गया। पालड़ी से सिरसा होता हुआ नैंसिया डैम में आ गया। यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होने से ये बांध ओवरफ्लो हो गया। यहाँ की चादर लगभग 3.5-4 फीट चल रही है। अब अगर बरसात आती है तो हमारे बांध को बहुत खतरा है। यहाँ देखिए, इनका यही कहना है सरपंच साहब का कि अगर अधिक बारिश हो जाती है तो इस बांध को खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि भराव क्षमता से अधिक इसके अंदर पानी बह रहा है, जिसके चलते जो बांध है उसके कमजोर होने का कहीं ना कहीं अंदेशा। हमारे साथ और भी ग्रामवासी है, उनसे जानते हैं कितने साल पुराना बांध है, कितने पानी इसके अंदर भरा हुआ रहता है। इसमें 7 फुट की भराई है, लेकिन इस टाइम इसमें 8-9 फुट पानी आ रहा है इसमें। और ये बांध बहुत पुराना है, कम से कम ये राजा के टाइम का बांध है, तो करीबन बहुत ये करीबन 100-150 साल पुराना बांध है। और पानी तो बिल्कुल उसमें आमद बहुत ज़्यादा होती है। चोरू का बंदे साहब 10-5 बंदों की पावत इनसी में होती है डैम में। और ये गांव नैंसे के ऊपर बना हुआ है, इसलिए गांव को खतरा है। इसलिए इसमें हम प्रशासन को बुलवा के न्यूज वालों को खबर दिलवाइए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस बांध को खतरा होगा। और इसी के साथ जानेंगे कि यह बांध साल के अंदर कितनी बार इस तरीके से ओवरफ्लो होता है। ये 4-5 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा है। हमने इसके निर्माण के लिए फाइल भी लगाई है। अगर इसका निर्माण होता तो हमें फिर भविष्य में खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बांध हमारे गांव के ऊपर बना हुआ है, पूरा गांव इसके नीचे बसा हुआ है। इससे हमारे नैंसिया गांव को भी खतरा है, निमेड़ा को भी खतरा है, इसलिए इस बांध की रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस बांध का जो पानी है अभी ओवरफ्लो हो रहा है, यह पानी बह करके कहाँ तक जाएगा? ये ओवरफ्लो पानी होके नैंसिया से गडूड़ा जाता है, गडूड़ा से फिर निमेड़ा होता हुआ मासी नदी में जाएगा। ये यहाँ बिल्कुल देखिए, ये यहाँ से पानी बहता हुआ मासी नदी की ओर जाएगा। बांध जो ओवरफ्लो हो रखा है उसको देखने के लिए ग्रामवासी है वो यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। वो बांध को जो ओवरफ्लो है उसको यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर ग्रामवासी हैं, एक बुजुर्ग हैं, उन्हीं से जानते हैं। भाजी, आज डैम है वो ओवरफ्लो हो गया है? हाँ, ओवरफ्लो हो गया डैम, ये पूरा मालूम खतरा को घंटी चल रही है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो खतरा है? खतरा ही जी। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ में अलका पटवारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप पटवारी जी, बांध ओवरफ्लो होने के कगार पर है, पटवारी जी आप क्या कहेंगे? जी अभी ओवरफ्लो की कगार पे है, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था कर दी गई है, कट्टे ला दिए गए हैं। बाकी कोई भी ऐसी स्थिति गंभीर होगी तो अपन उसके वो करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए? प्रशासन की तरफ से, अपनी तरफ से, एक तो JCP से वहाँ पे नाड़ा खोल दिया गया है उधर सिरसिया में, एक यहाँ पे कट्टे ला दिए गए हैं। जैसे ही अगर ऐसी स्थिति होती है तो अपन कट्टे लगा देंगे यहाँ पे। जी हाँ देखिए, तहसीलदार इनका यही कहना है कि अगर
बांध को कोई खतरा पैदा होता है तो उसके लिए जो इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। जेसीबी यहाँ पर बुलवा ली गई है और पाए और जो मिट्टी के जो कट्टे हैं वो यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं, जिससे कि अगर कोई खतरा पैदा होता है तो उस खतरे को टाला जा सके। हम तस्वीरों में एक बार आपको फिर से दिखाना चाहते हैं कि जो पानी है उसकी जो गति है वो इस समय के अंदर ज़मीन से कम 4 से 5 फीट ऊपर यह पानी है ये बह रहा है, जो और जो चादर है वो 4 से 5 फीट यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। और इसी के साथ ही अब से कुछ देर बाद के अंदर जयपुर वाला जो हाईवे है, यानी कि जो स्टेट हाईवे है जो जयपुर से सांगानेर से मालपुरा को कनेक्ट करता है, उस पर आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि पानी की आवक अधिक हो जाएगी, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।